गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 11th फिजिक्स में हम बात कर रहे हैं मात्रक और भौतिक राशियों के बारे में। पिछले केस में हमने भौतिक राशियां उनके प्रकारों को डिटेल से स्टडी किया, उसके बाद उसके आधार पे मात्रकों का निरूपण किया और उसके प्रकारों की व्याख्या की। तो आज हम जो सेक्शन लेके आए हैं उसमें मात्रक के विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मात्रक की परिभाषा की। तो वास्तव में मात्रक क्या होता है, तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी भौतिक राशि के मापन में जो इकाई प्रयुक्त की जाती है उस इकाई को ही हम मात्रक नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे घर में कोई दूध लेकर आता है तो वो क्या करता है, एक लीटर रहता है, लीटर से वो मापता है और माप के हमको दे देता है। तो कहीं ना कहीं लीटर जो है वो उसका इकाई हो जाता है। हमको 2 लीटर चाहिए, 3 लीटर चाहिए, तो उस हिसाब से वो उसी चीज को 2 या 3 बार रिपीट करता है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि लीटर जो होगा वो इकाई हो जाएगा। दूरी के लिए हम मीटर के रूप में नापते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पे, मात्रकों के आधार पे हम उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये ओवरऑल ही बोला जा सकता है कि किसी भी भौतिक राशि के मापन में जो इकाई प्रयुक्त की जाती है उस इकाई को ही हम उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि नॉर्मली हमको बहुत सारी पद्धतियां पता है कि मापन की, शुरू से हम इसके बारे में स्टडी करते भी आए हैं। तो थोड़ा सा उन पद्धतियों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि मापन की जो विभिन्न पद्धतियां अभी तक हमने स्टडी की हुई वो क्या है। तो चलिए सबसे बात करते हैं मापन, पहले बात करते हैं मापन की पद्धतियों की, मापन की पद्धतियों। तो मुख्यतः हमने मापन की जो पद्धतियां स्टडी की हुई है उसमें सबसे पहला है MKS पद्धति। सबसे पहली पद्धति है हमारी MKS पद्धति। तो MKS पद्धति मतलब इसको बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। ये आप अच्छे से पढ़ चुके हैं इसलिए मैं ज्यादा डिटेल पर चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देकर मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो मात्रकों का गुण है। तो चलिए बात कर लेते हैं MKS पद्धति पर। तो जैसा कि मैंने बताया मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, तो इसका सीधा मीनिंग है इसमें जो लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा मीटर, द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम, और समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि इसको म क स पद्धति भी कहा जा सकता है। ये मापन की जो बड़ी इकाई के रूप में जाना जाता है, MKS पद्धति जो है मापन की बड़ी इकाई के रूप में प्रचलित है और उसी रूप में इसको जाना जाता है। चलिए बात करते हैं इसकी छोटी इकाई CGS पद्धति। तो जैसे MKS पद्धति है उसका ये बड़ा रूप है बोला जा सकता है, तो CGS उसका शॉर्ट फॉर्म या छोटा रूप है। एक तरह से नाम से स्पष्ट है CGS मतलब इसको बोला जाएगा सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड पद्धति। तो जैसे यहाँ पर बोलेंगे लंबाई, लंबाई के लिए यहाँ पर जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर। जैसे यहाँ देखिए मीटर जो है वो बड़ी इकाई है जबकि सेंटीमीटर जो हो जाते हैं वो छोटी इकाई हो जाता है। द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए इज यूजुअल सेकंड। तो इस आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि इसको CGS पद्धति बोलने का अभिप्राय यही है, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम स ग स पद्धति भी बोलते हैं। ये वास्तव में मापन की जो बड़ी इकाई MKS पद्धति का जो छोटी इकाई के रूप में प्रचलित है उस रूप में जाना जाता है। तीसरी पद्धति की बात करने जा रहे हैं हम FPS पद्धति। FPS पद्धति क्या है, तो F फॉर फुट, P फॉर पॉन और S फॉर सेकंड। तो ये जो है वास्तव में फुट पॉन सेकंड पद्धति है। फुट पॉन सेकंड पद्धति मतलब इसमें लंबाई का जो मात्रक हो जाएगा वो फुट हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक जो हो जाएगा वो पॉन हो जाएगा, और समय का जो मात्रक होगा वो सेकंड हो जाएगा। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि लंबाई का फुट, द्रव्यमान का पॉन और समय का जो है वो सेकंड होता है। तो ये मापन की जो ब्रिटिश पद्धति के रूप से जानी जाती है, FPS वास्तव में मापन की एक ब्रिटिश इकाई के रूप में प्रचलित है FPS पद्धति। और इसके साथ एक बेहद इंपॉर्टेंट पद्धति जुड़ी हुई है जो है SI पद्धति। तो SI पद्धति का हम बिल्कुल इंडिविजुअल क्लास लेंगे क्योंकि उसके गुण, उसकी प्रॉपर्टी, उसके बिहेवियर, सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो उसको अलग रखते हुए हम जो आज के विशेष टॉपिक, आज का जो मेन टॉपिक है हमारा, उसकी ओर चलते हैं। मात्रकों का गुण, मात्रक का गुण।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें कि जैसे हम मात्रक को सेलेक्ट करते हैं तो किसी भी मात्रक में कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जिसके आधार पर उसको मात्रक सेलेक्ट किया जाना चाहिए या सेलेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं मात्रकों के गुणों पर। तो मात्रकों के कुछ प्रमुख गुण होते हैं जिसमें सबसे पहला है वह सर्वमान्य होना चाहिए। जैसा कि मैं बता रहा हूँ मात्रक जो होने चाहिए वो सर्वमान्य होने चाहिए। सर्वमान्य शब्द का मीनिंग यही होता है कि उसको सब आसानी से स्वीकार कर सके। हम अगर किस मीटर को अपना मूल मात्रक मान रहे हैं तो वो सभी स्थानों पर सभी जगहों पर उसको मान्य होना चाहिए कि मीटर ही हमारा मूल मात्रक है। अगर अलग अलग स्थानों पर मूल मात्रक चेंज होंगे तो प्रॉब्लम जाएगी जब हम विनिमय की प्रक्रियाओं को फॉलो करेंगे तब। तो बात करते हैं मात्रक को सर्वमान्य होना चाहिए। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मात्रकों को न तो बड़ा और न ही छोटा। सबसे बड़ी बात है कि जो मात्रक हम सिलेक्ट कर रहे हैं मात्रकों को बहुत न तो बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए और न बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। जो मूल मात्रकों की बात की जा रही है उनकी बात की जा रही है। कई बार क्या होता है जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा जो मूल मात्रक के रूप में हम नॉर्मली जैसे मीटर को हमने सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मीटर की जगह अगर हम सेंटीमीटर को लेते तो हमको क्या होता है कि नापने में दिक्कत जाएगी, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जाएगा, हम लंबी दूरियों का मापन करते समय परेशान हो जाएंगे। तो मात्रक को एकदम ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि अगर किलोमीटर अगर हम मूल मात्रक के रूप में मान ले तो फिर उसको छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड करना बड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए ये बोला जाता है कि मात्रक ना तो बहुत ज्यादा बड़े होने चाहिए न बहुत ज्यादा छोटे होने चाहिए। तो ये मात्रक का हमारा दूसरा महत्वपूर्ण गुण है। तीसरी चीज की बात करते हैं मात्रक सुपरिभाषित। मात्रकों को सुपरिभाषित होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो भी मात्रक है उनकी एक निश्चित डेफिनेशन होनी चाहिए। जैसे हम एक मीटर कितनी दूरी को बोलेंगे ये हमको पता होना चाहिए और उसी दूरी के आधार पर पूरे विश्व में उसकी एक निश्चित परिभाषा होनी चाहिए कि कितने डिस्टेंस को एक मीटर कहा जा रहा है, जिसके आधार पर मानक इकाई का हम निर्माण कर सकें। तो सभी मात्रक, सिर्फ मैं मीटर की बात ना करूँ, किलोग्राम, सेकेंड, जितने भी मात्रक होते हैं उनको एक उनकी एक निश्चित परिभाषा होनी चाहिए, जिस आधार पर बोला जा सकता है कि मात्रकों को सुपरिभाषित होना चाहिए। चौथा चीज है स्थायित्व। मात्रकों में सबसे महत्वपूर्ण गुण है उसके स्थायित्व का। जो मात्रक है वो परिवर्तनशील नहीं होने चाहिए। मात्रकों में स्थायित्व का शब्द का मीनिंग ये है कि समय और परिस्थिति के अनुसार मात्रकों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मात्रक सभी जगह पर सभी स्थानों पर एक जैसे और एक समान होने चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि मात्रकों में स्थायित्व का गुण होना चाहिए। और पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये सर्वसुलभ वह सस्ते होने चाहिए। एक तरह से बोला जा सकता है कि मात्रक जब हम किसी भी चीज को मात्रक के रूप में मानने जाए तो जो मात्रक इकाई हम तैयार करते हैं वो सभी जगहों पर आसानी से पुनरुत्पादित किया जा सके। सर्वसुलभ शब्द का मतलब उसको फिर से पुनरुत्पादित करने की जो प्रक्रिया है वो भी किया जा सके और आसानी से सभी स्थानों पर उपलब्ध होने चाहिए। तो इस आधार पर हम मात्रकों के इस गुणों के आधार पर ही मुख्य मात्रक या मूल मात्रक के रूप में सेलेक्ट करते आए हैं। तो ये है मात्रकों के गुण।